प्यारे बच्चों, मैं पवन सैनी आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 2023 के लिए आपका ये साल खुशियों भरा रहे ऐसा मैं आशा करता हूं और गॉड से प्रेयर करूंगा। तो बच्चों, आज का जो मेरा फिजिक्स का टॉपिक्स वगैरह रहेगा, बच्चों के अंदर बहुत सारी भावनाएं होती हैं कि सर, हम जो है मात्रकों का सही क्रम जो है एमकेएस पद्धति के आधार पर किस प्रकार से बदले, तो आज उसको मैं बड़ी मजे के रूप में बताऊंगा और चुटकियों में ही आप उसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे उसके लिए कुछ मुख्य बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद रखनी है। और जब आप उन बातों को अगर फॉलो करते हैं तो बड़े ही आसान तरीके से आप जो मात्रकों का सही क्रम आप चेंज कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी वीडियो पर चलता हूँ। देखिए बच्चों, हमारा जो टाइटल है मात्रकों का सही क्रम में बदलना एमकेएस पद्धति के आधार पर, तो अक्सर कन्फ्यूजन रहती है कि सर, हमारे जो है हम मात्रक वगैरह चेंज नहीं कर पाते हैं एमकेएस के आधार के रूप में, तो कोई टॉपिक वगैरह डाली या वगैरह। तो इसी के उपलक्ष्य में मेरा जो है टॉपिक है कि मात्रकों को सही क्रम में बदलना एमकेएस पद्धति के आधार पर। तो देखिए, मेरी मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, ये मेरी स्टेप्स हैं, ये 7 स्टेप्स हैं आपकी, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टेप्स हैं और आपको ये क्रम वाइज के रूप में लिखी हुई है। ना ही कोई जो आपका ये ऊपर जा सकता है, ना ही ये वाला नीचे आ सकता है। ये तो आपको बच्चों आपको याद ही रखनी पड़ेगी कि ये आपका क्रम है। तो ये 7 स्टेप्स का क्रम है कि पहले नंबर पर आपका किलो है, दूसरे पे हेक्टा है, तीसरे पे डेका है, चौथे पॉइंट्स में आपके 3 कॉलम है, ग्राम है, मीटर है, लीटर है, उसके बाद में डेसी है, सेंटी है, मिली है। अब एक क्वेश्चन आपको बोल देता हूँ, तो कुछ क्वेश्चन आपको तो बहुत आसानी से आप कर लेते हैं। जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि 1 किलोग्राम में आपसे प्रश्न पूछ लिया कि कितने ग्राम होंगे, ये आपसे प्रश्न पूछ लिया बच्चों, तो आप सभी बड़ी बात जानते हैं और डायरेक्टली आप क्या कह देते हैं कि सर, इसका आंसर तो आपका 1000 होगा। एक दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे किसी ने कि 1 मीटर में कितना सेमी होता है, तो ये भी आप डायरेक्टली से बता सकते हैं कि सर, इसका 100 होता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया बच्चों और आपसे प्रश्न पूछ लिया कि 1 ग्राम बराबर जो है आपसे प्रश्न पूछ लिया किलोग्राम। तो यहां अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये सादा मान तो आप जानते हैं कि सीधा आप दिन की आम भाषा में यूज करते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने किया था कि 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं, तो आपने बता दिया डायरेक्टली 100 सेमी होते हैं। अब एक नया क्वेश्चन हमने कर दिया तो यहाँ 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो बच्चों का जो है कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कितना आंसर होगा। 1 ग्राम में तो किलोग्राम हो नहीं सकते, ये सर तो आपने क्वेश्चन गलत पूछ लिया। ये क्वेश्चन गलत नहीं है। तो आज की जो मेरी वीडियो रहेगी इसी टॉपिक्स पर रहेगी, जब आपको ऐसे मान आ जाए कि जिसका पॉसिबिलिटी ना बनती हो, जैसे आप बच्चे कंफ्यूजन आ गया कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो बच्चे असमंजस में पड़ जाते हैं। तो उसी के लिए मेरी मजेदार ट्रिक्स है। मजेदार ट्रिक्स में क्या है, ये वाली आपकी 7 स्टेप्स आपको याद रखनी है और कितने ही मजे तरीके से आप इसको कर लेंगे। देखिए, इसके लिए मैं आपको करने का तरीका बता देता हूँ। आप सबसे पहले जो क्या है, हम इनको देखो लिख लेते हैं, किलो है जैसे मेरा, फिर आपका हेक्टा है, उसके बाद में डेका है, उसके बाद में आपका ग्राम है, उसके बाद में लीटर है, ये मीटर है, उसके बाद में नेक्स्ट आपका है डेसी है यहाँ, फिर इसके बाद सेंटी है, उसके बाद में आपका मिली है। तो ये जो मैंने 7 स्टेप्स आपको बताई हैं, ये आपको कंफर्म रूप से लर्न होनी चाहिए। इनका जो क्रम है वही क्रम हो, कोई आपका ऊपर नीचे नहीं हो सकता। ये तो आपको 7 स्टेप के रूप में याद करने ही हैं। अब इसमें प्रश्न बना लेते हैं। देखिए महोत्सव, तो यहाँ 2 बातें ध्यान रखनी है। जैसे अभी मैं आपके प्रश्न जो आपने पूछे थे उनका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। जैसे पहला मेरा 1 किलोग्राम, और इसमें हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो देखिए आप उसको हम अपने ट्रिक के माध्यम से इसे निकालते हैं। तो यहाँ 2 बातें ध्यान रखनी है। जहां से क्वेश्चन हमारा शुरुआत की गई है वो स्टेप आपको छोड़ देना है। दोबारा से सुन लीजिए, जहां से प्रश्न पूछा गया है वो स्टेप आपको फॉलो नहीं करनी है,
और आपसे फिर ये देखना है कि कौन सा स्टेप पूछा गया है। तो आप किलोग्राम पूछा गया है और इससे निकालने हैं आपको ग्राम, तो आपको बच्चों यहाँ किलोग्राम वाला पार्ट जो है छोड़ देना है। तो यहाँ हम देखिए किलोग्राम पूछा गया तो किलोग्राम वाला पार्ट छोड़ दिया, उसके बाद फोकस जाना है हमसे पूछा क्या है, तो पूछा हमसे ग्राम है। फिर ये देखना है कि ये किलोग्राम से ग्राम जो है वो कितने डिजिट के पर आता है। फिर दोबारा समझे, किलोग्राम से ग्राम पूछा गया तो किलोग्राम मैंने बताया ऐसे कट्टस लगा था, उसके बाद पूछा कितना ग्राम, नंबर गिन लेंगे 1 2 3, तो यहाँ 1 के लास्ट में 3 डिजिट लगा देंगे, तो आपका जो आंसर 1000 आ रहा था ये भी 1000 हो गया। सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था कि 1 मीटर, 1 मीटर बराबर जो आपका है सेमी, तो देखिए सबसे पहले देखेंगे मीटर कहाँ है। तो देखिए बच्चों यहाँ मीटर आपको यहाँ नजर आ गया, मीटर नजर आ गया तो मैंने बताया था जहां से शुरुआत होती है वो वाला स्टेप हमें छोड़ना है, तो ये मीटर वाला स्टेप छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद में आपसे प्रश्न पूछा है सेमी, तो मीटर के बाद में देखिए सेमी कौन से डिजिट पर आता है, 1 2, तो इसलिए यहाँ 1 के लास्ट में 2 डिजिट आ गए, तो इसलिए 1 मीटर में जो 100 सेंटीमीटर है वो भी क्वेश्चन आपका सही हो गया। अब यहाँ बच्चों बात का ध्यान रखना है, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था अभी कि 1 ग्राम बराबर किलोग्राम मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, तो यहाँ जब 1 ग्राम से आप किलोग्राम पूछा गया है तो शुरुआत हमारी कहां से हुई है, ग्राम से, पूछा क्या है किलोग्राम, तो हम चलते हैं, तो ग्राम वाला स्टेप हमको यहाँ नजर आ गया। तो हमने क्या बताया था कि जो स्टार्टिंग होती है उसे कट कर देते हैं, यहाँ हमने इस पोर्शन को कट कर दिया, उसके बाद हमसे पूछा क्या है, पूछा है किलोग्राम, तो किलोग्राम देखते हैं 1 2 3, 3 डिजिट है। लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान देने की बात कि अभी जो आपने ऊपर वाले स्टेप फॉलो किए हैं वहां आपकी ऊपर वाली स्टेप से नीचे वाली स्टेप पूछी गई थी, जैसे किलोग्राम से ग्राम, तो किलोग्राम से ग्राम, तो यहां ऊपर से नीचे वाला, लेकिन अब की बार क्या हुआ है कि ग्राम से किलोग्राम पूछा, तो ग्राम से किलोग्राम यानी नीचे से ऊपर वाला पोर्शन पूछा गया है। इस कैटेगरी में हमें करना क्या है कि जब हमें कंडीशन नीचे से ऊपर की ओर पूछी जाए तो वो 1/1 करके आंसर देना है। फिर दोबारा समझना क्या है, जब नीचे पार्ट से ऊपर वाला पार्ट पूछा जाएगा यानी उल्टा क्रम पूछता है, तो सबसे पहले हमें 1/1 लगाना है, उसके बाद हमारा प्रोसेस सेम ही रहेगा, ग्राम से शुरुआत की गई थी, ग्राम हमने छोड़ दिया, पूछा क्या था किलोग्राम, तो ग्राम के बाद में डिजिट 1 2 3, तो यहाँ 1 के लास्ट में 3 0 लगा दी, तो इसलिए हमारा 1 ग्राम का जो किलोग्राम हुए 1/1000। तो यहाँ ध्यान रखना है कि अगर क्रम हमारा सीधा होता है तो वहाँ हम जो है डायरेक्टली 1 के लास्ट में 0 लगाते हैं जितने डिजिट होते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसके समझने के लिए, आपसे प्रश्न पूछ दिया 1 हेक्टामीटर, 1 हेक्टामीटर इज इक्वल टू मिलीमीटर, प्रश्न पूछ दिया 1 हेक्टामीटर टू मिलीमीटर, तो मैंने बताया हेक्टा आपका यहाँ है, सबसे पहले इसे क्रॉस लगाएंगे, उसके बाद में क्वेश्चन पूछा है आपका मिलीमीटर, तो देखते हैं 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर आता है 1 2 3 4 5, यानी हेक्टा से मिलीमीटर 5वें नंबर आता है और सीधा क्रम है। दो बातें ध्यान रखनी है, पहला तो नंबर कितने डिजिट पर आता है, दूसरा उसका सीधा क्रम है या उल्टा क्रम। तो यहाँ आपने देखा सीधा क्रम, कितने डिजिट हुए 1 2 3 4 5, इसीलिए 1 के लास्ट में आपकी 5 0 हो गई, तो यानी 1 हेक्टोमीटर बराबर हो गया 1 लाख मिलीमीटर। और समझ लीजिए एक प्रश्न आपसे पूछ लिया कि 1 ग्राम बराबर मिलीग्राम आपको बताना है, 1 ग्राम में मिलीग्राम आपको बताना है, तो यहाँ देखते हैं शुरुआत हमारी कहाँ से हुई, ग्राम से, तो ग्राम वाला प्रोसीजर काट दिया हमने, पूछा क्या है मिलीग्राम का, मिलीग्राम गिन लीजिए 1 2 3 3, 3 डिजिट आ रहे हैं, लेकिन बच्चों यहाँ क्रम जो है हमारा सीधा क्रम है तो इसलिए 1 के लास्ट में 3 0 लगा देंगे। तो ये तो बातें बच्चे वगैरह हो गए कि आपको फोकस जो करना है
अगर ऊपर से नीचे वाली कंडीशन पूछता है तो डायरेक्टली वन के लास्ट में जितने डिजिट होंगे उतनी जीरो लगाएंगे, और अगर उल्टा क्रम पूछता है तो वहां वन अपॉन करने के बाद में सेम प्रोसेस ऊपर से नीचे वाला रहेगा। अब कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है बच्चों यहाँ कि मान लीजिए आपके जो नंबर वन के प्लेस पर कोई और नंबर आ जाता है, मान लीजिए आपसे पूछा गया कि पांच डेका लीटर बराबर आपसे मिली लीटर पूछ लिया, वन डेका लीटर से मिली लीटर पूछ लिया गया फाइव। यहां प्रश्न है फाइव डेका लीटर से आपसे पूछा है मिली लीटर, तो सबसे पहले क्या करना है, ये फाइव तो हमें रखना ही है। अगर नंबर आप एक से ज्यादा होता है तो जितने भी आपके रखें सबसे पहले उसी को रखें, उसके बाद में डेका लीटर देखें कहां पर है, तो देखिए किलो हेक्टर डेका यहां मिल गया हमारा डेका। शुरुआत मैंने बताई थी जहां शुरुआत होती है उस फंक्शन को काटना है, तो काट दिया हमने फंक्शन। उसके बाद में हमने पूछा है मिली लीटर, तो मिली कौन से डिजिट पर है, वन टू थ्री फोर, तो इसके आगे फोर जीरो लगा देंगे। और वन के आगे फोर जीरो क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारा क्रम जो है ऊपर से नीचे का है, तो मैंने बताया जब क्रम सही होता है ऊपर से नीचे तो वन के लास्ट में उतने ही जीरो लगा देते हैं जितने डिजिट होते हैं। तो यहाँ हमारा इसकी जब करते हैं तो फोर जीरो तो ऑलरेडी आ गई है आपकी, और पाँच एकम पाँच, यानी ये जो हो गया आपका 50,000 मिली लीटर।